अगर आप न्यू कस्टमर है और हमसे पूल पास परचेज़ करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में पूल पास हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमसे आकर के डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और पूल पास परचेज़ करवा सकते हैं। एडबॉल पूल की कोई भी डील करवानी हो, कैश, कॉइन्स, क्यूज, गोल्डन शॉट, पूल पास, हर चीज़ आपको बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर और डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडबॉल पूल की हर डील अपना अकाउंट में बहुत ही चीप रेट में परचेज करवा सकते हैं। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज बात करने वाले हैं हम चकफू इवेंट के बारे में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा चकफू इवेंट 51 आवर्स में स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा 30 मार्च से स्टार्ट होगा और 1 अप्रैल तक चलेगा पहला इवेंट। अब यहाँ पर पहला इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट क्या है, तीसरा इवेंट क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और आप अपनी क्यू को लेवल मैक्स कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेवल मैक्स करना थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर सकते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा प्ले करें ज़्यादा तो वो आप कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ इसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का क्या सिस्टम होगा। तो सबसे पहले आएगा राउंड 1। राउंड 1 आप ऊपर चेक कर सकते हैं, चकफू नॉकआउट का राउंड 1। पहला राउंड हमारा स्टार्ट होगा 51 आवर्स में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, टाइमिंग ऊपर दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्ट पूल पॉइंट्स टू क्लाइम द लीडर बोर्ड रैंक्स। आपको पूल पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और क्लाइम लीडर बोर्ड की क्लाइम करना है और ऊपर जाना है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ज्वाइन अर्ली सो यू डोंट फॉल बिहाइंड ऑन द कंपटीशन टू क्लेम एक्सक्लूसिव चकफू नॉकआउट क्यू। आपको जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लेना, यानी कि आप जब आप लीग खेलते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप लीग ज्वाइन करते हो तभी से आपकी लीग स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन से आपके अकाउंट में कंपटीशन आ जाएगा और उसी दिन से आपको खेलना पड़ेगा, उसी दिन से आपके अकाउंट में विनिंग माननी पड़ेगी और यहाँ पर आपको पूल पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे और अपने यहाँ पर लीडर बोर्ड में क्लाइम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लीडर बोर्ड में क्लाइम कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आपको ऊपर मिशंस में आना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपको 4 मिशंस मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास 3 ही मिशंस ओपन होंगे। आपको पूल पास परचेस करना पड़ेगा चौथा मिशंस ओपन करने के लिए। चौथा मिशन आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको पूल पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ऊपर आप चेक कर सकते हैं मेरा जो मिशन लॉक है उसमें यहाँ पर एक मिशन है अपग्रेड क्यू 3 टाइम्स, हमने उस मिशन को कंप्लीट कर रखा है। उसमें हमें 800 पूल पॉइंट्स मिलेंगे, हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम पूल पास परचेस नहीं करेंगे तो हम इसको नहीं कर सकते। तो गाइस सबसे पहले सलाह तो मैं आपको यही दूंगा कि पूल पास परचेज कर लीजिए, बहुत सस्ता मिल जाएगा। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो 199 रुपीज में आपको पूल पास दे दूंगा। अगर आप ओल्ड कस्टमर हैं तो भी यहां पर आपको काफी सस्ते में दे दूंगा, आप मेरे से व्हाट्सएप पर आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर बात रही अगर आप नहीं करना चाहते परचेज तो भाई आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। नीचे के आपको 3 ही मिशन्स मिलेंगे, 3 मिशन्स में आपको इनको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको ये वाला मिशन अनलॉक करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 मिशन्स हो चुके हैं जिसमें हमें कुल पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं 200 प्लस 300 प्लस 450, तो टोटल हमें 950 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर हम इसमें पूल पास वाला भी ऐड कर लेते हैं तो हमें 800 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, जो कि हमारे हो जाएंगे 1750 पॉइंट्स। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स का सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तीनों आप कंप्लीट कर लेंगे इजीली, फिर आपके पास सारे मिशन चले आएंगे। फिर उसमें टाइम लगता है, एक टाइम होता है कि इस टाइम के बाद आएंगे, मैक्सिमम वो टाइम होता है 6 to 7 आवर्स या फिर कभी कभी होता है 24 आवर्स। तो पूल पास ले लीजिएगा, वो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, बाकी यहाँ पर आपकी मर्जी। अब यहाँ पर आपके मिशन हो गए सारे कंप्लीट, अब आपके पास कोई भी मिशन कंप्लीट करने के लिए नहीं है तो आप क्या करें। अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी कैश के जरिए मिशन ओपन करा, वैसे ही आपको कैश के जरिए मिशन ओपन करना है। थोड़ा बहुत कैश बाय कर लेना अपनी आईडी में अगर इस क्यू को मैक्स करना है, वरना ये वाली क्यू इतनी आसानी से मैक्स नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स आएंगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिमाग में एक वहम ये भी है कि जितने भी एडबॉल पूल के प्लेयर्स हैं सारी एक ही उसमें आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखा होगा कि आपका शोडाउन चलता है, उसमें आपकी एक रैंक होती है और यहाँ पर उसमें टॉप 100 प्लेयर्स होते हैं या 50 प्लेयर्स होते हैं। वो 50 प्लेयर्स होते हैं जो आपके टूर्नामेंट में आते हैं, बस उनके अलावा कोई नहीं होता, उसमें ही कॉम्पिटिशन चलता है। अब ये तो नहीं है कि टोटल 50 प्लेयर्स ही हैं पूरे एडबॉल पूल गेम में, हमारे काफ़ी मिलियंस ऑफ प्लेयर्स हैं तो उनकी टीमें बढ़ जाती हैं अलग अलग, कोई कहीं खेलता है कोई कहीं खेलता है। जैसे मैं अपने गेम में खेलूंगा और मैं अपने गेम में ओपन करूंगा तो मेरे साथ कोई और प्लेयर्स का वो पूरा वो होगा सेट, और अगर आप अपना गेम ओपन करेंगे तो आपके साथ पूरा दूसरे प्लेयर्स का सेट होगा। तो गाइज ऐसे चलता है ये वर्क, और ऐसे वर्क नहीं करता कि सारे पूरा जितना भी एट बॉल पूल के गेम में जितने भी प्लेयर्स सारे एक ही उसमें आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टोटल 5800 प्लेयर्स की टीम मिलेगी, उस टीम में से आपको टॉप 20 में आना है पहला राउंड कंप्लीट करने के लिए। आपका पहला राउंड स्टार्ट होगा 51 आवर्स में, यानी कि 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और 30 मार्च से लेकर के मंडे 1 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि हमारा राउंड 24 आवर्स तक लगभग चलेगा, 24 या 48 आवर्स मेरे को कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो हमारा
टॉप 20 प्लेयर्स होंगे क्वालिफाई कर जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। अगर आप टॉप 20 प्लेयर से नीचे आते हैं तो आपके लिए गेम फिनिश हो जाएगा, आप इसके बाद ये वाला इवेंट प्ले नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप टॉप 20 में आ गए तो अब आपको सेकेंड राउंड मिलेगा 6 अप्रैल से मंडे 8 अप्रैल तक, यानी कि 48 आवर्स के लिए हमें दोनों मिलेंगे, मतलब 31 मार्च और 1 अप्रैल को हमारा खत्म हो जाएगा। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा हमारा 6 अप्रैल, 7 और मंडे 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, यानी कि 48 आवर्स हमारे पास टोटल होंगे एक राउंड खेलने के लिए। अब आप सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं, सेकंड राउंड में भी सेम आपको कुछ नहीं करना, डिट्टो कॉपी करना है, आपको टॉप 20 प्लेयर्स में आना है। टॉप 20 प्लेयर्स में आने के बाद जैसे ही राउंड खत्म होगा और अगर आप टॉप 20 प्लेयर्स में रहे तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट फाइनल राउंड में। अब फाइनल राउंड में क्या होगा वो आपको बताता हूँ, फाइनल राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप फाइनल राउंड में पहुंच जाएंगे तो आपको क्यू तो मिल जाएगी, क्यू की आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप फाइनल राउंड कब तक चलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। फाइनल राउंड हमारा प्ले होगा 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, यानी काफ़ी गैप मिलेगा आपको गेम प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर जब आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा क्यू आपके अकाउंट में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यू सबको मिल जाएगी, जो कि हमारे 100 प्लेयर्स तक पूरी लिस्ट होगी, वहाँ सब तक क्यू पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर उसमें से जो फर्स्ट रैंक पर आएगा उसको मिलेगी बिल्कुल फ्री में लेवल मैक्स क्यू, उसको कुछ नहीं करना, लेवल मैक्स क्यू डायरेक्ट उसके अकाउंट में दे दी जाएगी जब अगर वो यहाँ पर टॉप करेगा। अगर वो सेकंड करता है तो लेवल 37 की क्यू उसको अकाउंट में दे दी जाएगी। अगर वो थर्ड आता है तो लेवल 33 की क्यू उसके अकाउंट में दे दी जाएगी। अगर वो फोर्थ रैंक से लेकर 20 रैंक के बीच में आता है, 4 से लेकर 20 के बीच में, तो आपको लेवल 25 की क्यू मिल जाएगी। अगर आप 21 से लेकर 50 की रैंक में आते हैं तो आपको लेवल 13 की क्यू मिल जाएगी, और अगर आप 51 से लेकर जो लास्ट तक है 100 उसमें आते हैं तो लेवल 5 की चौक फू नॉकआउट क्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कोई परचेजिंग का ऑफर डाल दे कि आप इसको परचेज कर लीजिए और अपनी क्यू को मैक्स कर लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर ये यहीं रोक दें, मेरे को तो नहीं लगता यहीं रोकेंगे, यहाँ पर ये ऑफर जरूर देंगे कि यहाँ पर आप इसको परचेज कर लीजिए और अपनी क्यू को मैक्स कर लीजिए। तो गाइस ये था पूरा का पूरा इवेंट, मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि इवेंट की क्यू कैसे मैक्स करनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कैश लगाएंगे और अपने पूल पास परचेज करके खेलेंगे तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली वैसे मैंने समझा दिया कि यहाँ पर कैसे आप इसको कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों के साथ, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टेड हो किसी नोटबुक के साथ, तब तक के लिए।